नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, किसी भी क्रिकेट फॉर्मेट में पावर प्ले को आधुनिक क्रिकेट की आत्मा माना जाता है और टेस्ट क्रिकेट में कोई पावर प्ले नहीं होता। पहली बार 1970 में पावर प्ले को क्रिकेट के एक प्रयोग के रूप में बदलाव किया गया था। इसका प्रयोग सबसे पहले वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट में किया गया था, परंतु इसके बाद भी पावर प्ले को पहले 5 विश्व कप में स्थान नहीं शामिल किया गया। पहली बार इस पावर प्ले के इस नियम को 1996 यानी कि 1996 के विश्व कप में लागू किया गया। इसके बाद से ही पावर प्ले एक दिवसीय क्रिकेट का सबसे पसंदीदा पार्ट बन गया। पावर प्ले ने उस वर्ल्ड कप के बाद कई आतिशी सलामी बल्लेबाजों को जन्म दिया, जो आते ही विरोधी गेंदबाजों पर चौके छक्के बरसाने लगते थे। उस समय पावर प्ले में सर्वाधिक सफल होने वाले बल्लेबाजों में श्रीलंका के खिलाड़ी सनत जयसूर्य का नाम टॉप पर आता है। उस समय ही पावर प्ले आज के समय के पावर प्ले की तरह होता था, परंतु वह 15 ओवर का होता था। परंतु ये पावर प्ले मैंडेटरी पावर प्ले भी होता था, जो पहले 15 ओवर तक लागू होता था। इस पावर प्ले के समय दो खिलाड़ियों को 30 गज के घेरे के बाहर रहने का नियम था। 16वें ओवर के बाद से घेरे के बाहर 5 खिलाड़ियों रखने का नियम होता था। क्रिकेट में एक समय ऐसा है जब फटाफट प्रारूप यानी T20 क्रिकेट का क्रेज बढ़ रहा था। फिर पावर प्ले ने जैसे क्रिकेट को और ज़्यादा मनोरंजक बनाया, वैसे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि ICC ने 2005 में इसमें बदलाव कर दिए और लगातार लोकप्रियता बढ़ाने के लिए और बदलाव किए, जिसमें पावर प्ले को 15 ओवर का ना रखकर 20 ओवरों का कर दिया गया और इसे 3 ब्लॉकों में बांट दिया गया। इसमें एक था मैंडेटरी पावर प्ले, जिसे हम अनिवार्य पावर प्ले भी कहते हैं, दूसरा था बॉलिंग पावर प्ले और तीसरा बैटिंग पावर प्ले बनाया गया। तीनों पावर प्ले का उद्देश्य यह होता है कि बैटिंग करने वाली टीम तेजी से रन बनाए, ताकि खेल मनोरंजक और रोमांचक किया जा सके। 20 ओवर के फॉर्मेट में पावर प्ले 6 ओवर का होता है, जिसमें केवल एक ही पावर प्ले होता है, वो है मैंडेटरी पावर प्ले। बैटिंग और बॉलिंग पावर प्ले नहीं होता। टेस्ट क्रिकेट में पावर प्ले का कोई भी नियम नहीं होता। आइए दोस्तों, अब पावर प्ले की बात कर लेते हैं। तो पहला पावर प्ले आता है, वो है मैंडेटरी पावर प्ले, जिसे हम अनिवार्य पावर प्ले भी कहते हैं। शुरुआत के 10 ओवर तक अनिवार्य पावर प्ले होता है, जिसके नियमानुसार फील्डिंग टीम 30 गज घेरे के बाहर केवल 2 ही खिलाड़ी रख सकती है। इसमें दोनों फील्डरों को कैच करने वाली पोजीशन में रखने का नियम होता है। ये प्लेयर स्ट्राइकिंग बैट्समैन से 15 गज से ज़्यादा की दूरी पर नहीं रखे जाते हैं। दोस्तों, दूसरा आता है बॉलिंग पावर प्ले। इस पावर प्ले का यूज 10 ओवर के तुरंत बाद ही किया जा सकता है। ये केवल 5 ओवर का होता है, परंतु इसका प्रयोग फील्डिंग कर रही टीम द्वारा ही किया जा सकता है। इस पावर प्ले में 3 प्लेयर्स को 30 गज के घेरे के बाहर रखना होता है, परंतु इसको 40 ओवरों तक खत्म करना आवश्यक होता है। अब दोस्तों, तीसरा आता है, वो है बैटिंग पावर प्ले। ये पावर प्ले भी बॉलिंग पावर प्ले के ही समान 5 ओवर का होता है, परंतु इसे बैटिंग कर रही टीम अपने अनुसार कभी भी ले सकती है। इस दौरान 30 गज के घेरे के बाहर 3 से ज़्यादा फील्डर नहीं रख सकते। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।